हेलो गाइस, वीवो की तरफ से एक नई न्यूज़ सामने निकल कर आई है कि वीवो अपना नया अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि जे सीरीज का होने वाला है इंडिया में जल्द ही लॉन्च करने वाली है एक बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी नए वीवो के Z1 सीरीज की कुछ स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, रिलीज डेट और क्या है इसके नए स्मार्ट फीचर्स जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। हेलो गाइस, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग हम टेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीवो ने अपना ये पहला ऐसा स्मार्टफोन बनाया है जिसमें उसने पंच होल डिस्प्ले का फीचर्स ऐड किया है जो कि सैमसंग को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं ये वीवो का नया पंच होल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन के मार्केट में सैमसंग को बीट कर पाता है या नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पंच होल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन कैसा लगता है। तो बात करें अगर इसके डिस्प्ले की तो एक 6.5 इंच का फुल HD प्लस वाला रेजोल्यूशन स्क्रीन इस फोन में आपको दिया जाएगा और साथ में इसमें पंच होल कैमरा भी दिया गया है जो कि एक बेहतरीन बात है वीवो के स्मार्टफोन के लिए, वीवो के यूजर्स के लिए ऑल्सो, क्योंकि वीवो ने अपने ये स्मार्टफोन का एक लॉजिक सैमसंग को बीट करने के लिए स्पेशली इंडियन मार्केट में लेकर आया है। तो देखते हैं ये सैमसंग के 40 को बीट कर पाता है। तो बात करें इसके डिज़ाइन की तो प्रीमियम बैक आपको एक अच्छा सा ग्लास पैनल देखने को मिल सकता है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ इंडियन मार्केट में आएगा। तो देखते हैं ये फ़ोन लुकिंग में कैसा दिखता है, बट इमेजेस के अकॉर्डिंग ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन मुझे लग रहा है देखने। तो बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरा की तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिल सकता है जो कि पंच होल के अंदर ही दिया जाएगा और हो सकता है इसका रेजोल्यूशन 20MP भी हो, ये सियोरिटी नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये 16 मेगापिक्सल ही हो। बात करें इसके रियर कैमरा की तो ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकता है जिसका प्राइमरी रेजोल्यूशन 48MP का होगा और सेकेंडरी रेजोल्यूशन अभी कोई सियोरिटी नहीं है, ये 13MP और 16MP के बीच हो सकता है और जो इसका लास्ट रेजोल्यूशन होगा वो 5MP का होगा जो कि एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा होगा जो आपको पोर्ट्रेट और AI मोड के लिए काफी बेहतरीन होता है जैसे कि आजकल के सारे स्मार्टफोन अपने फीचर्स के रूप में अपने स्मार्टफोन में ऐड कर रहे हैं। तो वीवो भी इसी तरह से अपने स्मार्टफोन में ये ऐड करे। बात करें अगर इसके प्रोसेसर की तो इसमें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन का आपको 710 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, नहीं तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 660 भी आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर वीवो अपने इस स्मार्टफोन को सैमसंग गैलेक्सी के M40 और Xiaomi के अपकमिंग स्मार्टफोन K20 Pro के साथ कम्पीट करना चाहती है तो इसको एब्सोल्युटली 710 का ही चिपसेट देना कंपलसरी होगा, भी ये मार्केट में बिकेगी। दोस्तों, बात करें अगर इसके प्राइसिंग की तो इंडिया में अभी तक इसका प्राइस फिक्स नहीं हुआ है बट अकॉर्डिंग टू रूमर्स इसका प्राइस 20,000 के कम ही रखा जाएगा इंडिया में, बट मुझे लगता है ये करीबन 13,000 से 14,000 या 15,000 तक के बीच में आपको इंडिया में इसका बेस वेरियंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं ये फोन कितने में लॉन्च होती है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर। दोस्तों, बात करें अगर इसके रिलीज डेट की तो इंडिया में ये फोन आपको mid-Q3 के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में ये फोन इंडिया में गारंटी लॉन्च कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी नजर आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट टाइम से ये गलती बिल्कुल से बिल्कुल नहीं की जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।